इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। मान लेंगे और फिर भारत से आगे चलेगा, क्योंकि भारत ने यहां रुकना नहीं है। दुनिया में दो रियासतें, भारत तो बलूचिस्तान को लेकर बातें करते हैं, वो आजाद कश्मीर को लेकर बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी उनका क्लेम है, और वो ये कहते हैं कि वहां से अफगानिस्तान को कि आप अफगानियों की जमीन है ये सारी, फाटा लड़ो बारियो अफगान, ये ऊपर नीचे सारा अफगान है। तो उनका तो एजेंडा बड़ा ही लंबा चौड़ा है। अब दो चीजें बड़ी वाजे हैं इसमें, इस दुनिया में दो रियासतें हैं जब से वो बनी है, वो बाकायदा बढ़ रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लैंड मास। एक हिंदुस्तान है और दूसरा इजराइल है। इन दोनों के नक्शे उठा के देख लें, जो 15 अगस्त 1947 को था आज क्या है, और इसराइल जो था आज क्या है, इसमें नंबर एक। नंबर दो, उनके जो भी मंसूबे हैं, आपने उनको किस हद तक, अगले दिन में ये बात सुन रहा था कि बात ही हो रही थी, अभी तालिबान ने भारत से बात करना शुरू कर दी है। हम ये कह रहे हैं कि वहां जो मर्जी जो करना चाहे करें, हमने जो 20 साल मार खाई है, उससे पहले जो मार खाते रहे हैं, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, अफगानिस्तान की तरफ से हम पे हमले भी हुए, हम शरारत करते रहे, कौन करता रहा इसके लिए। हम फिर वो स्पेस देने को तैयार हो गए इसको, और अमरीका अगर निकल के जा रहा है तो वो क्या ख्याल है आपके, अफगानिस्तान को सेटल होने नहीं देगा, और कौन उसको अनसेटल रखेगा अफगानिस्तान। मुझे नहीं समझ आता कौन ये पॉलिसीज बना रहा है, कहाँ पे बन रही है, और क्या इसकी जो इंफॉर्मेशन है, हो सकता है मैं टोटली गलत हूँ, अलग कर मैं गलत हूँ, रामशोर जो बैठे हुए हैं पॉलिसी साज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। यस, अमन, कोई अमन के खिलाफ बात नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कहता कि अपने एक आम आदमी के तौर पे आप वैसे ही सोचें, थोड़ा सा भी आपका दिमाग है तो एवीएम शहजाद चौधरी साहब, आपको ये फील आती है कि शायद स्टेटस को तस्लीम कर लिया है हमने, पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के, यानी मैंने कोई एहतजाजी खबर या कुछ ऐसा नहीं सुना, ये तो कश्मीर में बताया कि जनाब यहाँ पे तो बंकर बन रहे हैं, और उनके अखबार आज ये रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत तो कभी भी नहीं बताएगा आपको 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बन रहे हैं, फौजी पहुंच रहे हैं, वो दो रियासतों में उसको तकसीम कर रहे हैं, वहां पर एक अजीबोगरीब सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो गई है। हम कहाँ हैं, सवाए वजारत खारजा का एक स्टेटमेंट आया था और कुछ भी नहीं। इससे पहले आपने जिक्र किया कि वो लद्दाख को अलहदा करने जा रहा है, जम्मू को अलहदा करने जा रहा है, फिर वो शायद पंडितों को कश्मीर वैली में भी कुछ उनको बसाएगा वहाँ पे, और उसकी डेमोग्राफिक को भी चेंज करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पिछले 10 साल की मेरी राइटिंग्स आप देखें तो ये नक्शा पहले दिन से लेके आज तक मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भारत ये करने जा रहा है। अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं इस काम के अंदर, बड़े बड़े पॉलिसी साज, बड़े समझदार लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बावजूद इतनी इंटेलिजेंस के साथ ये पता लग जाना चाहिए था कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है। अगर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि 5 अगस्त को क्या होने जा रहा है, और 5 अगस्त को जो हो गया वो जब हो गया, अब उसको भी 2 साल होने को आ गए हैं, तो पाकिस्तान ने उसके बाद क्या कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जब ये एक डिज़ाइन बन रहा था कि इंडिया क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, क्योंकि उसने जो उसकी हदूद थी उसने उन हदूद को अपने अंदर जम करना ही करना था, क्योंकि जब उसको ये रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान अब जंग नहीं करेगा, जो ही आप न्यूक्लियर बने आपने कहा कि हम जंग नहीं करेंगे, हमने अब जंग खत्म होगी, इस खत्ते से जंग खत्म होगी, वो तो आपने खुद उनको सबक सिखा दिया कि जंग अब नहीं हो सकती। अब जब जंग नहीं हो सकती तो फिर यह एक ही रास्ता रह गया बातचीत का। जब आप बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है और उनके कंट्रोल में है, वो जब चाहे बातचीत करें, जब चाहे ना करें, जब चाहे अपनी मर्जी की बातचीत करें, और आप खुद नाराज होकर यहाँ बैठ जाएं कि हम तो बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी तो बड़ी इज्जत और गैरत और बड़े हम और कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो ना आपके पास फॉरेन पॉलिसी थी, ना आपके पास डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव था, ना आपके पास मिलिट्री ऑफेंसिव था, ना आपके पास कोई डिजाइन था, ना आप बातचीत करने के लिए तैयार थे। आप नाराज होकर बहू की तरह घर में बैठे हुए थे और घर आम चले जा रहा था। अभी 2 साल से हमने 5 अगस्त से शोर मचाया हुआ है कि जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, हमने बिल्कुल बात नहीं करनी। सबसे पहले रिवर्ट करे 5 अगस्त का, भाई नहीं करता, नहीं किया, करेगा भी नहीं। उसने रोक लिया है, आपने बंकरों का जिक्र किया, उसने वो लद्दाख को भी अलहदा कर रहा है, वो जम्मू को भी अलहदा कर रहा है,
वो कहेगा कि अच्छा किसी ने कुछ करना है तो कश्मीर वैली के साथ मिल मिला के करना है तो कर लो। लफ्ज मतलब कश्मीर को खत्म ही कर दिया उसने, लफ्ज कश्मीर वो कह रहा है ये कश्मीर रह जाएगा, वैली तक रह जाएगा, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। बाकी जम्मू जम्मू हो जाएगा, लद्दाख लद्दाख हो जाएगा। उसकी अपने भी मसाइल हैं उसके अंदर, उसने चीन को लाके अपनी सरहद पे बिठा दिया। लेकिन ना हम चीन के साथ मिलकर अटैक करने के, दो ही रास्ते हैं ना जी। आज आपके साथ जो आप बात कर रहे हैं, अगर इसको तीसरा एक लेवल कहा जाए जिसपे आप आज जिक्र कर रहे हैं, फौजें जा रही हैं, 8,000 बंकर बन गए, 10,000 बंकर बन गए, तो फिर ये दो ही रास्ते हैं ना। आज अटैक करते हैं ना उनके ऊपर, कहते हैं खबरदार ये किया, हम बड़ी गैरत वाले लोग हैं, खबरदार ये करना, लेकिन हम तो 2 साल से बात ही नहीं करना चाह रहे, बातचीत भी नहीं करते। तो फिर मेरा ख्याल है कि हम चुप चुपीते यहाँ बैठे सड़ते रहेंगे अपने अंदर, और कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा, जो कि पिछले 73-74 साल में होता आया। अब आपको पॉलिसी लेवल के ऊपर, और अभी आप डॉक्टर कैश साहब की बात सुन रहे थे, वो डिटर्मिन ये कर रहे थे कि यार तनख्वाहें कहाँ से देंगे हम लोग, ये कहाँ से पैसा निकलेगा फलानी चीज़ के लिए, ये PSDP कहाँ से निकलेगा। अच्छा वो छोड़ दें उन चीज़ों को, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। हम बेशक या घास खा लेंगे लेकिन हम अटैक जरूर करेंगे और हम कश्मीर जीतेंगे। इशू ये है यू नीड टू हैव अ प्लान, चाहे जंग का हो, चाहे अमन का हो, चाहे डिप्लोमेसी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। यू कांट बी नीदर हेयर नॉर देयर, और कुछ भी ना करें। इन एक्शन इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन सच अ सिचुएशन। और बदकिस्मती से पाकिस्तान टोटली इन एक्शन में था, कुछ नहीं किया, एंड दैट इज व्हाट इज हार्मिंग अस टुडे। क्योंकि इंडिया तो किए जा रहा है आराम आराम से, उसके कोविड के बावजूद लाखों की तादाद मर गई। ये सर एक सवाल सर, क्या जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान ही होगा पूरी दुनिया में? ये जिम्मेदारी जंग से बचने की सिर्फ हमने उठाई हुई है? यानी क्या दुनिया इतनी पागल है कि इंडिया और पाकिस्तान, आप शुरू करें दुनिया बीच में आ जाएगी, आपकी जंग 4 दिन नहीं दुनिया चलने के लिए। कश्मीर के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है, कश्मीरी ने उठाई हुई है, पाकिस्तानियों ने उठाई हुई है। 73 साल तो हड़ताल ही नहीं हुआ ना कुछ। सर मैं वापस देख रहा था, मैं वापस देख रहा था, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? देखें बात यह है, हिस्ट्री ने हमें दोनों कोरियस और दोनों जर्मनी बर्लिन का सबक सिखाया है कि जो साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे और जो वेस्ट बर्लिन को सपोर्ट, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इतना खूबसूरत कर दिया उस इलाके को कि विंडो बना दिया कि दूसरा इलाका इधर आने को तैयार था। हमने क्या किया? तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बता दूँ एक बात, पाकिस्तानी मीडिया का एक दावा है, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहे हैं कि भारत ने कश्मीर में हाल ही में 10,000 से ज़्यादा बंकर तैयार कर लिए हैं, और ये उस समय हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों इसमें गलत क्या है? भारत अपनी ज़मीन पर बंकर तैयार करे या बिल्डिंग तैयार करे या टॉयलेट तैयार करे, तुम्हें क्या लेना देना है उससे? सीधी बात ये है। और बंकर भी भारत को तैयार करना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये कभी भी किसी भी दिन अटैक कर सकता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, सीज फायर एग्रीमेंट है, तो डेफिनेटली हमारे लिए बंकर, हमें बाद में अगर इन्होंने कुछ किया तो वो सीज फायर वायलेशन जो होता है उसमें जो लोकल्स पर अटैक होते हैं, लोकल्स जो लोग वहाँ पर चरवाहे वगैरह रहते हैं वो, और जो आर्मी पर्सन है, जो मतलब पुराने बंकर होंगे जो आजकल मतलब उतने अच्छे नहीं होंगे, अच्छी हालत में नहीं होंगे, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नए बंकर बनाए होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो पाकिस्तान का डिस्कशन वही था, और पाकिस्तान अब इनडायरेक्टली यहाँ पर ये भी बातें कर रहा है। अगर आप सोचें, यहाँ पर एक पैनलिस्ट ने ये भी बोला कि हम कश्मीर कश्मीर कब तक करेंगे, हम हमारे पास फौजियों को दे, फौजी नहीं बोला उसने, हमारे पास पैसे नहीं है पेमेंट देने के लिए, इस तरीके का वर्ड यूज़ किया इस पैनलिस्ट ने। तो गाइज आप समझ सकते हो पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है, और पाकिस्तान अब कितने दिन और सरवाइव करेगा, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। और पाकिस्तान अभी एक चीन के ऐसे जाल में फंसा है, आप समझ सकते हो उस जाल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें होगा क्या, चीन ने जितना पैसा पाकिस्तानियों को दिया है वो एज आ लोन दिया है, चीन कर्जा नहीं देता है, कर्जा उसने बहुत कम दिया है। तो अब देखते हैं चीन जो अपना CPEC प्रोजेक्ट लेकर आया है उसको काउंटर करने के लिए भी सारी दुनिया में नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान में CPEC है लेकिन उसका BRI नाम है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि ये जो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर की कब रट छोड़ेगा। हालांकि जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट में यहाँ पर एक फौजी बैठे हैं उनको भी हालत पता है, उन्होंने कश्मीर को लेकर जंग लड़ी होगी और उनकी क्या हालत हुई होगी। हो सकता है वो बांग्लादेश वाले जो
बोर में आए होंगे और 90,000 में से शायद वो भी शामिल होंगे, तो इन लोगों को अब क्या बोलें? ये एक 2 साल से बस कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने रट लगा लिए कि आर्टिकल 35A और धारा 370 फिर से रिटर्न नहीं होगी तब तक हम कश्मीर पर भारत से कोई भी बात नहीं करेंगे, तो भारत कौन सा इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए? और एक और बात बता दूँ, दिग्विजय सिंह का एक आज मतलब जो ट्विटर पे स्पेस होती है उसमें क्लिप मतलब आई है जिसमें वो बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ये आर्टिकल 35A और धारा 370 पर फिर से पुनः विचार करेंगे। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कांग्रेस पार्टी की इस तरीके की सोच है, और कांग्रेस पार्टी ही ये आर्टिकल लाई थी और ये सब चीज़ें उन्हीं की मतलब वो यूनाइटेड नेशन में भी नेहरू जी लेकर गए थे, अगर ना जाते तो हमारे पास हमेशा से एक ऑप्शन रहता कि हम अपने हिस्से को जो POK है उसे लेने की कोशिश करें, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी तरक्की का एक रास्ता है। अगर हमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है बिना पाकिस्तान के, तो POK अगर हमारे पास हो तो हम सीधे अफगानिस्तान से एंगेज करके सेंट्रल एशिया तक पहुँच सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आपको एक स्पेशल और न्यूज़ दे दूँ कि टर्की है जो, टर्की भी अफगानिस्तान से निकल रहा है। तालिबान ने बोल दिया है कि आप यहाँ ना रुके, हमें आपसे मतलब आप क्यों रुक रहे हैं हमारे एयरपोर्ट में, तो टर्की को भी एक झटका लगा है। तो गाइज़ उसका भी वीडियो बहुत जल्द मैं बनाने वाला हूँ, आपको इसी चैनल पर मिलेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलिए।